शानिया ब्लॉग। सब सब कैसे आए हो? आप सब ठीक होंगे? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक नहीं हूँ, बाकी मेरे साथ एक पोपट हुआ है। वो ये हुआ है कि मैंने जो मेरा चैनल था शानिया ब्लॉग, अब मुझे नहीं पता कि ये ब्लॉग मैं बना रही हूँ किस चैनल पर जाएगा। जो न्यू बनाऊंगी उस पर जाएगा या फिर जो पुराना वाला है उसी पर जाएगा, क्योंकि उस पर आ चुकी हैं 3 से 4 स्ट्राइक, वो भी बिग बॉस की वजह से। तो 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा मूड ख़राब है। शायद हो सकता है कि वो चैनल मेरा बंद हो जाए और मुझे कोई दूसरा, मतलब वो चैनल इतनी मेहनत की उस पर, 2-2.5 साल मैंने उसको दिए, मोनेटाइज हुआ, सब कुछ हुआ, और अब जाके शायद वो बंद हो जाए। अगर नहीं हो जाता है, मतलब नहीं होता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, और अगर हो जाता है तो फिर मैं दूसरा चैनल बनाऊँगी और पता नहीं आपको मिलेगा या नहीं। तो अभी मैं और लाली जाने वाले हैं मॉल, और गट्टू बहुत खुश हो रहा है इसी वजह से, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, मैडम इतनी देर से अभी तक ये मॉल जा रही है सिर्फ शॉपिंग करने के लिए, उसमें इतना रेडी हो रही है। तो अभी बज रहे हैं 3। मैं देखती हूँ कि जब लास्ट टाइम, मतलब जब निकलेंगे ना, तो वो टाइम भी बताऊंगी कितनी देर में ये रेडी हो पाएगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि 3 से 4 स्ट्राइक जो है वो एक ही दिन में आ गई, इस वजह से चैनल, मतलब बिल्कुल उन लोगों ने मुझे 7 दिन का दिया हुआ है। 7 दिन बाद अगर मैंने मेल भी किया है उन्हें, अगर 7 दिन तक वेट कर रही हूँ, अगर नहीं होगा उनका मेल का कोई रिप्लाई नहीं आएगा, या फिर उन्होंने अपनी स्ट्राइक वापस नहीं ली, तो फिर मेरा चैनल चला जाएगा, फिर शायद कुछ हो ही नहीं सकता है। तो अभी आज 3 दिन हो चुके हैं और देखते हैं क्या होगा, क्योंकि जो भी होगा, अगर 7 दिन बाद मेरा चैनल बचता है तो ये ब्लॉग उस पर जाएगा, अगर नहीं बचेगा तो फिर दूसरे पर जाएगा, और फिर दोबारा से मुझे उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ जो भी देखे ना, वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना, जिससे मेरे जो जितने पुराने सब्सक्राइबर्स थे ना, उनको मिल जाए मेरा चैनल। और बाकी मैं आपको बताने भी वाली थी कि मेरा जो मेकअप का जो चैनल है वो मैं दूसरा करने वाली हूँ, वो सारा वो भी बताने वाली थी, लेकिन वो ब्लॉग में मैं अपलोड नहीं कर पाई। उससे पहले एकदम से ही मेरा चैनल जो है बंद हो गया, मतलब वीडियो अपलोड नहीं हो रही है, अभी वीडियो बंद कर दी है उस पर। और ये सबके साथ हुआ है, मतलब उन लोग, मतलब वो मेरी ही गलती है कि मुझे किसी का कंटेंट नहीं डालना चाहिए, बट उनको भी मुझे लगता है कि एक बार एक वीडियो पर जब डाला था, अपलोड किया था, तभी मुझे स्ट्राइक दे देते तो मैं दूसरी वीडियो अपलोड नहीं करती, बट एकदम से उन्होंने तीन चार वीडियो पर स्ट्राइक दे दी, तो ये थोड़ा सा मुझे गलत लगा। बाकी देखते हैं जो भी होगा। और मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी, मतलब स्ट्राइक का सुना था, लेकिन ये नहीं पता था कि एकदम से इतनी सारी स्ट्राइक आ जाएंगी और ऐसे, क्योंकि बहुत सारे चैनल जो थे वो बिग बॉस का वीडियो जो थे वो अपलोड कर रहे थे, और उन सबके चैनल पर स्ट्राइक आई हुई है एकदम से ही। किसी किसी का तो मतलब चैनल ही एकदम से बंद हो गया। मुझे 7 दिन का टाइम मिला है, ये इस चीज़ से भी मैं खुश हूँ कि मुझे 7 दिन का टाइम तो दिया है, शायद बच जाए मेरा चैनल। तो चलो जल्दी से रेडी होती हूँ और फिर मॉल जाते हैं, क्योंकि आज जो है शॉपिंग करेंगे मॉल से, और फिर जन्माष्टमी भी आने वाली, रक्षाबंधन भी आने वाला है, तो उन दोनों की शॉपिंग करेंगे। मतलब जन्माष्टमी के लिए तो कुछ इतना, सॉरी, रक्षाबंधन के लिए तो कुछ स्पेशल इतना नहीं, क्योंकि जो मेरे पास है मैं वही पहनूंगी। बाकी जो जन्माष्टमी के लिए है उसके लिए ज़रूर मुझे शॉपिंग करनी है, तो अगर टाइम मिलेगा तो फिर बाड़े भी जाएंगे। अभी जा रहे हैं मॉल, तो बस मैं जल्दी से रेडी होती हूँ। अभी बज गए 3:30। ये अब इनका चल रहा है फोटो सेशन, अभी इनका फोटो चलेगा, फिर मतलब 4 बजे से पहले निकल ही नहीं सकते हैं, मुझे पता है। बाकी ये मैं हूँ जो 2 मिनट में जल्दी से रेडी हो गई हूँ। मतलब जब कुछ भी पता ना चले ना कि क्या पहनना है, तो वही पहनो, तब वो पहनो, मतलब जो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो, 2 मिनट लगते हैं कुछ भी पहन लो। ये देखो इसका फोटो खींचने का तरीका मैं बताती हूँ, मैं इतना मेकअप किया है, इतना रेडी होने के बाद भी इतना फिल्टर लगाती है ये। तो अभी बज गए हैं 4 बजने में, 10 मिनट की देर है, और ये मैडम अभी भी फोटो खींचने में ही लगी। जब मैंने वीडियो ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया ना, तो बंद कर दिया, और बाकी मम्मी का स्टार्ट हो गया है शिवपुराण, ये लगी पड़ी है अपने में। तो बस अभी चलते हैं मॉल, और 4 बजने में 10 मिनट की देरी, यही मैंने बोला था ना कि ये लोग ये 4 नहीं बज जाएंगे तब तक जाएगी नहीं। और तो भाई आज डिसाइड हुआ है जाने का, बाकी आज का मौसम बहुत ज़्यादा, मतलब धूप निकली हुई है, इतने दिन से कोई भी धूप नहीं थी, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। तो भाई आज कोई नेता आने वाला है, इस वजह से बहुत ज़्यादा पुलिस लगी हुई है इधर। देखो यहाँ मोदी जी खड़े हुए हैं, रोड भाई हाँ कितनी साफ सुथरी, लेकिन ये वाला एरिया फिर भी अच्छा अच्छा सा ही दिखता है। मॉल में आज कुछ ज्यादा ही लोग दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सब, अच्छा संडे है, भूल गई मैं, संडे इस वजह से ऐसा है।
तो भाई लाली ने आती है एक बैग की शॉपिंग कर दी है अब, तो अभी कपड़े खरीद के और चेंज भी कर लें क्योंकि हमें रील बनानी थी। अगर थोड़ा सा भी टाइम मिलेगा तो रील बनाएंगे। अच्छा लग रहा है, ऐसे अच्छा लग रहा है इज्जतदारों की तरह रहा कर। अब ये देखो कुछ भी, सच में वैसे अच्छा लग रहा, दोनों ने वाइट वाइट पहन लिया है। भाई इतना सब कुछ हम लोग खाएंगे हम दोनों जो कि बीमार है, और बाकी इतनी सारी शॉपिंग की है तो वो घर जाके दिखाऊंगी मैंने क्या क्या किया है शॉपिंग में, क्या क्या लिया है। और बस अब जल्दी से खाते फिर मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। वही मेरी नई टी शर्ट का स्वागत हो चुका है मैं जो कुछ भी खाऊं लेकिन कपड़े पर ना गिरा भी हो नहीं सकता, तो वो हो चुका है। लेकिन बस दाग निकल जाए, ये निकलेगा ना, सॉस का दाग है पर शायद ही निकल जाएगा, वाइट है आला लग जाएगा। चलो इसे इतना सब कुछ खाने के बाद भी आइसक्रीम खानी है तो बस यही खाएगी, मैं तो नहीं खा पाऊंगी अब मेरा हो गया अब नहीं, आइसक्रीम के बिना मेरी हार्ट अटैक हो जाएगी, मेरी जगह नहीं है भाई मैं नहीं ये जी, ये जैसी दिखती है ना इसका साइज देखो पहले कहने को मेरा ये सब बंद है, मेरी मेडिसिन चल रही है, डॉक्टर की दवाई चल रही है, ये भी एक दवा है, कल डॉक्टर को दिखा के आएंगे तो बस अब निकलते हैं यहाँ से। और फिर हिना दीदी बस आज खाया है, अब मत डांटना भाई, मेरी जो डॉक्टर है ना तो वो बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक है। घर जाते हैं और थोड़ा मूड भी सही हुआ है, मतलब दो तीन दिन से ना बहुत ज़्यादा मूड खराब हुआ था ब्लॉग के चक्कर में, मतलब चैनल के चक्कर में, लेकिन अब थोड़ा ठीक लग रहा है तब बस घर जाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग है पर मूड ठीक है। हाँ तो भाई लाली ले ली आइसक्रीम और अब तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, वैसे पैरों में इतना तेज दर्द हो रहा है ना कि बस जल्दी से जाके अब घर पहुँचूँ फटाफट, क्योंकि बहुत टाइम बाद निकली हूँ मैं, मतलब कहीं, मतलब जब से बीमार हुई तब से कहीं नहीं जाती। तो ये खड़ी हुई है इधर लाइन में बहुत देर से, मतलब इतनी ज़्यादा थे लोग इधर फिर भी इसको आइसक्रीम तो खानी है, बीमार है तो आधे से इधर से जाना पड़ेगा एंट्री गेट से फिर से। तो इसका पार्किंग में अभी तक यही चल रहा है, अब तुझे फ़ोन पकड़ना है ये भी बैग भी, क्योंकि इतनी सामान लिए ना कि इसमें हेलमेट था निकाल के आना था पहले ही, मतलब लोगों को सवर नाम की चीज नहीं होती, आगे गाड़ियां लगी पड़ी है पर नहीं ऊपर से निकाल दो, दे औरन, दे औरन, नहीं आत्मचार भी सवर तो करो भाई। तो भाई अभी हम आपको दिखाएंगे जो ग्वालियर में नया वाला मॉल खुला हुआ है, जिसने विजिट नहीं किया हो मस्ट विजिट, स्टूडियो वगैरह सब कुछ है उसमें, शॉपर स्टॉप। अच्छा उधर जाना है अभी, लो भाई मैंने अच्छा याद दिलाया मैडम को, अब शॉपर स्टॉप भी जाना है, ऐसा लग रहा है पूरा ग्वालियर ही घर से बाहर आ गया खतरों के खिलाड़ी बनते हुए। नहीं कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक नहीं हो रहा है, ज़्यादा हो गया है, ट्रैफिक सिग्नल भी नहीं है भाई, हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज है शॉपर स्टॉप, मंजिल दूर नहीं है। मेरा मीटअप चल रहा है भाई, मीटअप गुड़गांव में चल रहा है पर पता नहीं है इतना ट्रैफिक क्यों हो रहा है, एल्विस का सिस्टम दौड़ता हुआ अब तो खत्म होने का टाइम आ गया भाई मीटअप का, पागल मेरा मीटअप चल रहा है, शान्य ब्लॉगर्स का मीटअप चल रहा है भाई, जल्दी निकलो भाई, अभी तक हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, मेरे दिमाग की बत्ती जलते हुए ट्रैफिक लगा हुआ है, वो हमने आते टाइम दिखाया था कोई नेता आ रहा है, दैट्स व्हाई ट्रैफिक है, ये है ये इंडिया हमारा, इंडिया बिल्कुल भी जगह नहीं बचनी चाहिए पूरी भाई, इसको कहते हैं भाई टैक्स भर रहे हैं हम लोग अरे नीचे। तो भाई आ तो गए हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ थी इधर, बहुत ज़्यादा आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, मैंने अभी देखा पेंसिल्स हैं बच्चों की, ये देखो भाई इसमें एक पेंसिल थी ये वाली, कुछ ज़्यादा ही नाजुक सी है, लाली ने बहुत पका दिया होगा मुझे पक्का भरोसा है, आज व्लॉग मेरे हाथ में है ना तो भाई ज़्यादा एंटरटेन ही हो जाएगा या बोरी हो जाओगे नो डाउट। तो मैडम आपको तो सूप लेना था ना डस्ट ट्रे, तो आप यहाँ बैग स्टेशन में क्या कर रही हो, शॉपिंग करके थे, मन नहीं भरा भाई इतने बैग्स फुल कर लिए हैं, फिर भी ये अगर आ जाए ये खाली हाथ घर पहुंच नहीं सकती, मैं निकल आई बाहर, मुझे लेना था सामान लेकिन मैंने नहीं लिया और ये मैडम यहाँ आ गई, मतलब अब हद है यार,
चेक ही नहीं कर रहे थे, छोटी छोटी सी चीजें वैसे ही पॉलिथीन में डाल के ले आते हैं, बैग में डालाते हाँ वही चेक ही नहीं की हमने। हम मुरैना के है ना, बाकी यहाँ मतलब बहुत बेसिक सी चीज लेने आई थी, घर की नॉर्मल सी चीज, लेकिन वो भी यहाँ बहुत डबल मिल रही है। मुझे लगा था क्यों जाना वहाँ, विशाल मेगा मार्ट ये रास्ते में पड़ रहा है, लेकिन अब जाएंगे विशाल मेगा मार्ट और फिर अब अच्छी सी शॉपिंग करेंगे, अब जा ही रहे हैं तो। लेकिन आज नेताजी आए हैं भैया, तो पूरा ग्वालियर की तहस नहस कर दिया, इतनी ज्यादा ट्रैफिक है, एक तो संडे ऊपर से ये लोग और आ गए। भाई अभी हम वापस जा रहे हैं भाई, फिलहाल तो यही लिया है, फिलहाल इतना ही लिया है क्योंकि इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है ना कि चलने की भी ताकत नहीं है। सामान तो बहुत, घर में घुसने के लिए बस दो चीज़ काफ़ी है, इतनी एंट्री में नहीं जाएगी, पैसों से ज़्यादा बिल बिल हो गए, सारे बिल इकट्ठे करके रखे हैं, चल रहे हैं घर, इतने ज़्यादा थक चुके हैं। और भाई आया है हमारे पास पार्टी का इनविटेशन, भाई इतने थक चुके हैं ना भाई, पार्टी तो दूर की बात, पार्टी तो बनती है घर में, बात सही है, पर इतने थक चुके हैं ना कि भाई घर पहुँची बस ये लग रहा है बिस्तर मिल रहा है और हम सो रहे हैं, आज मोबाइल भी नहीं चला है, मैंने एलविस से सीखा है फ़ोन पकड़ा उसके ब्लॉग देख देख कर। तो 7 नंबर आ चुके हैं, घर की कुछ ही पलों से दूरी, थोड़ी जान आ गई है, बस अब घर और दिखता है। भाई 7 नंबर से अगर मम्मी की कुल्फी दूंगी ना तो बस बस हमारा घर निकाला हो जाएगा, इसीलिए बस कुल्फी लेते हैं और फिर जाते हैं। हालत देख रहे कितनी गंदी हो गई, उनका कोई काम नहीं, रुकना चाहिए, नहीं तो बहुत सुनाती है, बहुत सुनाती है। तो ये देखो ये आते ही इसने पहनना शुरू कर दिया, कितनी थकी हुई थी, बस अंदर घुसे और स्टार्ट हो गई पहनना नहीं शुरू किया और बोल रही थी लूज है, घुस नहीं रहा अभी पैर में, पहनने के तरीके होते हैं, घुस गया अभी भी लूज है तो कुछ भी। गट्टू हट, इधर गट्टू हटना, जरा गट्टू हट, तो हटना भाई, कमेंट में बता देना गट्टू को भी। देखो मैडम को ये पता क्यों ठंडी है, इनके लिए कुल्फी लेके आए हैं, ऐसे छुपा रही है और ये डस्ट ट्रे लेके आए हैं इसीलिए, ये देखो पूरा ऐसे देखा रहा था, वो भी रह गया है। तो वही मैं लेके आई थी ये लाली के ऊपर, मतलब बहुत ज्यादा लूज लग रहा है, लाली दिखा ना, जल्दी दिखाओ लाली, नहीं भाई अच्छा लग रहा है, लूज है भाई। अरे तोते को भी पसंद आया है, मिट्टू अच्छा लगा ना ये दे, और लाई हूँ एक ये वाली, ये भी अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा फिट है। लाली 3 लाए थे क्या अपन, ये नहीं दूसरा, 2 लाए थे, एक जल्दी भी जल्दी का एक ये कुर्ती है, अरे मत पहन के दिखा, ऐसी दिखा दे भाई, अपन को लेट हो रहा है, अपने वहां भी जाना है यार, ठीक है। ये कुर्ती लेके आए थे और बैग लेकर आए थे हम, और ये बैग ये तो भारी गिरे का बैग है, सेम मेरी जैसी टी शर्ट, इतना पहन रखा है दोनों, और एक ब्लैक शर्ट लेके आए थे भाई, यो ये देखो इसे इसे देखो, इस टी शर्ट के पीछे क्या है, ये गुस्सा आ रहा है उसे, गुस्सा मिट्टू, मेरी मत खा, ये नहीं है, तू अड़िया लाली तुझे पसंद नहीं कर रहा वो। चलिए अभी इस ब्लॉग का करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि अभी जा रही हूँ पार्टी में और उसके लिए, क्योंकि ये ब्लॉग हो चुका होगा आज का। तो ये देखो ये हैंगर पे लग रही है इसकी, ये देखो नहीं अच्छी लग रही है वैसे लाली, ज्यादा चल रही है, ये अच्छा लग रहा है। तो चलिए अभी इस ब्लॉग का करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और इसके कल मतलब इसके बाद जो कल वाला ब्लॉग होगा वो पार्टी वाला होगा जिसमें मैं अभी जा रही हूँ, तो वो देखना भी जरूर मत भूलना। चलो टाटा बाय बाय।